बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम तमाम प्यारे व्यूवर्स को आपके अपने चैनल कुकिंग विद नादिरा में खुश आमदीद और खूब सारी दुआएं। विंटर स्पेशल कैपेचिनो कॉफ़ी की मज़ेदार सी वर्ल्ड की बेस्ट रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वीडियो में आगे चलकर बताऊंगी कि ये वर्ल्ड की बेस्ट कॉफ़ी क्यों है। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी, इतनी आसान कि बच्चे भी इसे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो YouTube सर्च में @ कुकिंग विद नादरा लिखिए, डायरेक्टली मेरा चैनल आपके सामने आएगा और आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो थम्स अप कीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त वर्ल्ड की बेस्ट कॉफ़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पर इंस्टेंट कॉफ़ी के 2 चम्मच लिए हैं, किसी भी स्पून से मेजर करेंगे। और साथ ही हमने 2 खाने के चम्मच इसमें शुगर ऐड की है। बहुत अच्छे से मेजर करके शामिल करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त सी फ्लफी सी क्रीमी सी हमारी कॉफ़ी बनेगी। और यहाँ नीम गरम पानी सिर्फ 2 खाने के चम्मच हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बात है इसको ज़बरदस्त फिटाई करने की, तो हमें किसी कस्म के ब्लेंडर की, बीटर की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिंपली स्पून से हम इसे बीट करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से ये देखें तैयार होगी। और यहाँ पे हमने मेजर करके तमाम चीज़ों को लिया है। इन तीनों चीज़ों के साथ हमें इसे बीट करना है सिंपली स्पून के साथ। हम किसी किस्म का बीटर यूज़ नहीं करेंगे, मशीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिंपली स्पून से हम इसको अच्छे से बीट करेंगे। और एक आपको मज़े की बात बताऊं, अगर आपको किसी किस्म का गुस्सा है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है और आप जो है चाहते हैं कि रिलैक्स हो, तो आप कॉफ़ी को एंजॉय कीजिए। जितनी देर आपको जो है आप इसको बीट करेंगे, सारा आपका गुस्सा, सारा आपका स्ट्रेस जो है वो रफू चक्कर हो जाएगा। तो यहाँ देखें बातों बातों में कितनी अच्छे तरीके से ये कॉफ़ी को बीट किया जा रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त सी। और ये देखें फ्लफी सी होती जा रही है, उसकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, कंसिस्टेंसी इसकी आप चेक करते जाइए, कितने अच्छे से ये क्रीमी पफी सी जो है ये तैयार हो रही है। मेरे तमाम प्यारे व्यूवर्स, आपको सर्दियों में क्या अच्छा लगता है? बहुत से लोग चाय पसंद करते हैं, बहुत से लोग कॉफ़ी को एंजॉय करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा आप लोगों को चाय या कॉफ़ी में से क्या अच्छा लगता है, अच्छे अच्छे कमेंट किया कीजिए। और यहाँ देखें क्या ज़बरदस्त सी माशाल्लाह बेहतरीन सी जो है कॉफ़ी को बीट किया जा चुका है, कितनी अच्छी सी क्वांटिटी है। और यहाँ देखें आप, अच्छी खासी ये जो है क्वांटिटी इसकी बढ़ चुकी है। हम हसबे ज़रूरत इसमें से इस्तेमाल करेंगे और बाकी जो है आइंदा दिनों के लिए आप इसको उठा के सेव करके भी 2 से 3 दिन के लिए रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे कॉफ़ी को अच्छे से बीट किया जा चुका है और हसबे ज़रूरत हमने दूध को, यहाँ पे 1 पाव हमने दूध लिया है, 250 ml हमने मिल्क लिया है, उस अच्छे से इसको बॉयल कर लिया है। यहाँ पे अब हम कॉफ़ी को तैयार कर रहे हैं। जितना आपको कॉफ़ी का फ्लेवर पसंद हो उस हिसाब से शामिल करें। हमने यहाँ पे 1.5 खाने का चम्मच इसमें शामिल किया है और ये बिल्कुल बेस्ट रहेगा 1 कप के लिए। और यहाँ पे खूब गर्म दूध जो है हम इसमें शामिल कर रहे हैं। मुझे यकीन है आपको ये कॉफ़ी मज़ेदार सी रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। और वर्ल्ड की बेस्ट कॉफ़ी मैंने कहा था ये है, तो ये इसलिए है कि प्यारी प्यारी बेटियाँ जब प्यारे प्यारे हाथों से बनाती हैं तो निहाल के हाथों से बनाई गई बड़ी मज़ेदार सी कॉफ़ी को हम करेंगे इंजॉय। आप हमारी रेसिपी को इंजॉय कीजिए, दुआओं में हमें याद रखिए। आप भी अपने बच्चों को मज़े मज़े की रेसिपी सिखाइए और बच्चों को मौका दीजिए कि वो नया कुछ सीखते रहे। इंशाल्लाह हम आपके लिए सिखाते रहेंगे। बिगनर्स के लिए कुकिंग विद नादरा @ कुकिंग विद नादरा को ज्वाइन कीजिए। अपनी बच्चियों को मेरा चैनल गिफ्ट कीजिए, रेसिपीज़ को उनको सिखाइए, ख़ुद भी दुआओं में शामिल रखिए, हम भी आपके साथ दुआओं में शामिल रहेंगे। ऐसे ही अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ लाते रहेंगे। कुकिंग विद नादरा को ग्रो करने में साथ दीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, बहुत जल्द लौट कर आएंगे अगली किसी ख़ास रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।